दावा कुंजा विहारी कभी जाना वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा पद सति राधा पद सति राधे जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर सद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की समस्त वैष्णव आचार्य वृंद की नामा आचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Jai Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 और अध्याय है 30 और अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं के कार्यकलाप और श्लोक संख्या है 32। परिजाते अंजसा लब्धे परिजाते अंजसा लब्धे सारंगो नत्र सेवते सारंगो नन्यत सेवते त्वदंग्री मूलमासाध्य साक्षत किम किम वर्णिमहि परिजाते अंजसा लब्धे सारंगो अन्यन्न सेवते
त्वदंग्री मूलमासाध्य साक्षात किम किम वर्णीमहि पारिजाते अंजसा लब्धे सारंगो नयन सेवते त्वद अंग्री मूलमासाधये साक्षत किम किम वर्णीमहि माता जी शब्दार्थ पारिजाते पारिजात नामक नैसर्गिक वृक्ष अंजसा पूर्णतया लब्धे प्राप्त करके सारंग भौरा अन्यत अन्यत्र न सेवते सेवन नहीं करता त्वत अंग्री तुम्हारे चरण कमल मूलाम प्रत्येक वस्तु के मूलाधार तक आसाध्य पहुंचकर साक्षात किम अच्छा साक्षात प्रत्यक्ष किम क्या किम क्या व्रणीमही मांगे अनुवाद हे स्वामी जब भौरा दिव्य पारिजात वृक्ष के निकट पहुंच जाता है तो वह उसे कभी नहीं छोड़ता क्योंकि उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जब हमने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है तो हमें और क्या वर मांगने की आवश्यकता है। अब दोहराएंगे पीछे हे स्वामी जब भौरा दिव्य पारिजात वृक्ष के निकट पहुंच जाता है तो वह उसे कभी नहीं छोड़ता क्योंकि उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार
जब हमने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है तो हमें और क्या वर मांगने की आवश्यकता है। तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी का, आप ध्यान से सुनिए। जब भक्त भगवान के चरण कमलों की सेवा में वास्तव में लगा हो तो उसे अन्य कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसकी व्यवस्था अपने में पूर्ण होती है। जब भौरा पारिजात वृक्ष के निकट आ जाता है तो उसे असीमित मात्रा में मधु प्राप्त हो जाता है, उसे दूसरे वृक्ष पर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यदि कोई भगवान के चरण कमलों की सेवा में स्थिर हो चुका है तो उसे अनंत आनंद प्राप्त होता है, अतः उसे और कोई वर मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती। पारिजात वृक्ष इस संसार में साधारण रूप में प्राप्य नहीं है। पारिजात वृक्ष का दूसरा नाम कल्प वृक्ष या मनोरथ पूर्ण करने वाला वृक्ष है। ऐसे वृक्ष से मुंह मांगा वर प्राप्त किया जा सकता है। इस संसार में यदि नारंगी चाहिए तो वह नारंगी वृक्ष से मिलेगी और आम के वृक्ष से आम मिलेंगे, किंतु न तो आम के वृक्ष से नारंगी मिल सकती है न नारंगी के वृक्ष से आम, किंतु पारिजात वृक्ष से जो चाहो सो मिल सकता है, चाहे नारंगी लो चाहे आम लो या केला आदि। यह वृक्ष वैकुंठ लोक में पाया जाता है। चिंतामणि प्रकर साधमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु। वैकुंठ लोक जिसे चिंतामणि धाम कहते हैं ऐसे कल्प वृक्षों से गिरा है। कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु व्रतेषु है, किंतु पारिजात वृक्ष इंद्रलोक में भी प्राप्य है। इस पारिजात वृक्ष को श्री कृष्ण अपनी रानी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए लाए थे और इसे रानियों के लिए बने द्वारका के महलों में रोप दिया गया था। भगवान के चरण कमल भी पारिजात रानियों के लिए निर्मित वृक्ष के सदृश हैं और भक्तगण भोरों के समान हैं। वे सदैव भगवान के चरण कमलों में आसक्त रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णु पादाय
कृष्ण प्रेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो अभी जो है प्रेचेता जो है वो भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और भगवान ने कहा है कि आप वर मांगो। तो प्रेचेता कह रहे हैं कि हम क्या वर मांगे अब, है ना, क्योंकि जैसे जो है जब भोरा दिव्य परिजात वृक्ष के निकट पहुंच जाता है तो वह उसे कभी नहीं छोड़ता क्योंकि उसे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जब हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है तो हमें और क्या वर मांगने की आवश्यकता है। तो इसी लिए जो है वो भगवान के भक्त हैं वो ऑटोमेटिकली उनमें बैराग आ जाता है। तो बैराग का कारण है कि उनको सब कुछ मिल जाता है, है ना। तो यहाँ भगवान के चरण कमल दिखाए हैं, रोशनी कर सकते हो चरण कमलों पे, है ना, थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा आगे भी कर सकते हो अगर आगे होता है तो, ताकि सबको नजर आएगा। ये भगवान के चरण कमल सबको नजर आ रहे हैं, है? आ रहे हैं ना। तो ये भगवान कृष्ण के चरण कमल हैं। तो राधा रानी के चरण कमल थोड़े से अलग हैं, लेकिन कुछ जो हैं निशाने, जो निशानियां हैं वो दोनों में मिलती हैं, है ना। जैसे आप देख रहे हो कि भगवान के चरण कमलों में शंख है, शंख कोंकशल, है ना, ये राधा रानी के भी चरण कमल में है ना। राधा रानी के चरण कमल में दूसरी तरह होता है, भगवान के जो चरण कमल में उसके ऑपोजिट, राधा रानी के राइट में होता है, भगवान के लेफ्ट में है। तो ये जो शंख है भगवान के चरण कमलों में, इसका मतलब है कि भगवान के चरण कमलों का जो हम ध्यान करते हैं तो शंख, जैसे शंख बजाते हैं ना, विक्ट्री मतलब विजय, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का मतलब है कि विजय विजय मिलेगी, भक्तों को हमेशा विजय प्राप्त होगी। और भगवान के चरण कमलों के शंख में जो जल है, वो जल जो है सारी हमारी जो भौतिक व्याधियां हैं, भौतिक मुसीबतें हैं, उनको सबको दूर करेगा। मेटीरियल एग्जिस्टेंस, ये जो भव है ना, दावानल है, ये दावानल आग को शांत कर देगा, वो जो जल है शंख का जो जल है। तो भगवान के चरणों पे जो भक्त मेडिटेट करते हैं उनको फिर ये चीज़ें तंग नहीं करती, भौतिक कहीं पे भी रह सकते हैं फिर वो, भक्त कहीं पे भी रह सकते हैं। तो ये बात श्री लभोबा जी भी बता रहे हैं यहाँ पे कि भगवान के चरण कमल जो हैं जैसे पारिजात वृक्ष, पारिजात वृक्ष मतलब कल्प वृक्ष, सब कुछ दे सकते हैं भगवान के चरण कमल, सब कुछ दे सकते हैं। ये चरण कमलों में एक एक भगवान के अंगूठे के नीचे दिखाया है जों जों, बारले बारले, है ना, जों नजर आ रहा है, जों जों का मतलब है कि सारी अपुलेंसेस, सारी अपुलेंसेस मिलती हैं, सब ऐश्वर्य मिलते हैं भगवान के भक्तों को। भगवान के चरणों में जो मेडिटेट करता है, भगवान के चरणों में जो ध्यान लगाता है, तो वो जो बारले है, बारले ये सिग्निफाई करता है कि भगवान के भक्तों को सारी ऑपुलेंसेस मिलती हैं। और बारले ये भी जो है जो ये भी डिपिक्ट करता है ग्रेन्स के, हमें वो नरिश करता है। तो इसी तरह से भगवान के चरण कमल जो हैं भक्तों की
नरिश करते हैं, भक्तों को पोषण देते हैं भगवान के चरण कमल। भगवान के चरण कमल भी कल्प वृक्ष के समान है, सब चीजें देते हैं, लोटस है भगवान के चरण कमलों में, लोटस है राधा रानी के चरण कमलों में, दोनों में लोटस है। तो लोटस क्या है, लक्ष्मी को सिग्निफाई करता है ना, लोटस मतलब फॉर्चून। तो भगवान के चरणों में जो मेडिटेट करते हैं हमेशा सक्सेस फॉर्चून उनके हिस्से में आती है हमेशा। और भगवान के चरण कमल है ही कमल जैसे, है ना, चरण कमल तभी तो कहते हैं, कमल कमल जैसे ही है भगवान के, इतने सॉफ्ट हैं। और भगवान के चरण कमल हमेशा ब्रजभूमि में रहते हैं, है ना, क्योंकि ब्रजभूमि भी कमल की तरह ही है, कमल की शेप में है ब्रजभूमि। तो इस तरह से जो भगवान के निशानियां हैं भगवान के चरण कमलों में, एक तरफ जो है 8 चिन्ह हैं और एक तरफ जो है 11 हैं, है ना, तो 11 और 8 19 चिन्ह हैं। तो इनको हमें, यही जो चिन्ह हैं हमारे, अगर आप देखो हमारे जो मंदिर का द्वार है वहाँ पे भी बने हुए हैं, कभी ध्यान दिया आपने, है ना, बने हुए हैं ना। तो ये चिन्हों पे हमें मेडिटेट करना चाहिए, सारे चिन्ह याद रखने। भगवान के चरणों में फिश है, फिश मछली, है ना, राधा रानी के चरणों में भी है मछली। तो मछली क्या सिग्निफाई करती है, मछली जो है वो जो कामदेव फ्लैग जो है उसमें क्या होती है, मछली, है ना, हर एक के फ्लैग में कोई निशानी होती है ना, तो मछली किसकी निशानी है, कामदेव के झंडे की। तो कामदेव का झंडा जो है भगवान ने अपने पैरों तले रखा हुआ है, रौंद दिया है। अगर भगवान के चरणों में आप मेडिटेट करोगे, भगवान के चरणों में आप ध्यान लगाओगे, तो कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तो कॉन्कर कर लिया आपने, है ना। और मछली जो है वो, ये भी इसका है मीनिंग, मछली जैसे जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही भगवान के जो भक्त हैं भगवान के चरणों के बिना नहीं रह सकते, भगवान के चरणों के बिना भगवान के भक्त नहीं रह सकते, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती। और मछली जैसे पानी में रहती है, इसी तरह से हमारा हृदय भी प्रेम से लिक्विड हो जाना चाहिए, लिक्विड, तभी वहां रह सकती है मछली। ड्राई ड्राई हृदय में भगवान के चरण नहीं आएंगे। तो इस तरह से सारे जो ये हैं आप मेडिटेट कर सकते हो, सारे चिन्हों को याद करके हम भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान लगा सकते हैं। और भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगाने का मतलब है कि फिर हमारा जो ये भौतिक संसार में हम फंसे हुए हैं ना, फंसे हुए हैं ना, चाहते हुए भी फिर भी हम फंस जाते हैं, भगवान की माया जो है इतनी स्ट्रांग है। और फिर कलयुग का वातावरण है, है ना, कलयुग के वातावरण में जो है ना तो आपको जीने देंगे ना आपको मरने देंगे, ये हाल है यहाँ, नहीं, भोग भोगोगे तो कहेंगे भोगी है, देखो जी शराबी कबाबी हो गया बेटा, शराबी कबाबी, क्या क्या गंदी गंदी आते हो गए, डी एडिक्शन क्लिनिक में डालें। और अगर मान लो उसने सब कुछ छोड़ दिया तो ये तो जी सब कुछ छोड़ छाड़ के पता नहीं कहाँ चला गया, हमें भी छोड़ दिया इसमें, यहां तो जीने भी नहीं देंगे मरने भी देंगे, ये कलयुग है, ये कलयुग है, ये तो श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, असीम कृपा है कि उन्होंने एक ये संघ इस कौन की स्थापना की है, नहीं तो आज जितने लोग मर रहे हैं ना आत्महत्या से, इससे कई गुना ज्यादा मर रहे होते, है ही नहीं कुछ ना, तो जीने देते हैं मरने देते, क्या करेगा आदमी, बस उनको तो लगता है कि जैसे मशीनें रॉबर्ट्स जैसे जी रहे हैं ऐसे ही आप रॉबर्ट कितना जियो बस, तब अच्छा जीवन है आपका।
तो इसीलिए जब भगवान के भक्तों को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भगवान कौन है, है ना। भगवान को हम नहीं समझेंगे, ये है भगवान। भगवान के चरण कमल ही, और चरण कमलों को भागवतम का पहला दूसरा स्कंद भी कहते हैं, है ना। पहला दूसरा स्कंद जो है भगवान के चरण कमल है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें पहला और दूसरा स्कंद जो है उसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। अगर पहला और दूसरा स्कंद हमने भगवान के चरण कमलों को अच्छी तरह से आत्मसात नहीं किया, तो आगे क्या है वो हमें समझ नहीं आएगा। फिर हमें बाद में भगवान की लीलाएं जो है समझ नहीं आएंगी। मुझको नींद आ रही है। हरे कृष्णा। आपको हिंदी नहीं समझ आता? आता है? अच्छा, मैंने कहा शायद कई बार होता है ना, कोई भाषा समझ नहीं आती तो फिर रुचि नहीं आती, नींद आती है ना। मेरी बातें समझ आ रही हैं? ओह वेरी गुड, थैंक यू। तो हम कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमल जो हैं वो एक रेखा बताइए, रेखा है हमारे जो कहाँगे वो जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो रे पीछे है, वो पार्थ प्राण प्राण हाँ परमहंस प्राण प्राण परमहंस प्राण बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैं तो सोच रहा था कि दो मिनट में ये चरण कैसे बनाएंगे भगवान के, दो मिनट में, मैं तो हैरान हो गया। और इतने से छोटे से चरण से मैंने कहा इनको बड़ा कैसे करेंगे, क्या भगवान ने इनको बहुत गिफ्टेड आए हैं। एक सेकंड में ऐसे कर देखो कितने सुंदर बना दिए, देखो नहीं मछली कितनी सारी चीजें नजर आ रही है ना साफ। ऐसा तो नहीं लग रहा कि मछली मगरमच्छ लग रहा हो और कॉन्ग शेल लग रहा हो कि पता नहीं क्या हल बना दिया है। मैं बनाता तो ये हल होना था परफेक्ट। थैंक यू प्रभु जी। तो जो ऊर्ध्व रेखा है, ऊर्ध्व रेखा है ना, ऐसे एक लाइन जा रही है ना, ये लाइन क्या है, ये सिग्निफाई करती है कि भगवान के चरण कमल जो हैं लोएस्ट से लोएस्ट जीव के लिए भी जा रहे हैं, फॉलन से फॉलन गर्त में गिरा हुआ है उसको भी खींच के ओ ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, अपने ओ टॉप तक ले जाएंगे। ये है भगवान के चरण कमल, समझ रहे हैं, लोएस्ट से लोएस्ट। मौसम पतित प्रभु ना पाईबा आर, इससे पतित कोई है ही नहीं, गिरा हुआ है, बिल्कुल गिरा हुआ है हर तरह से हैं, उसको भी खींच सकते हैं भगवान के चरण कमल और हाईएस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। ये है भगवान के चरण कमल। तो चरण कमलों के बारे में ही श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे जो है भगवान के चरण कमल पारिजात रानियों के लिए निर्मित वृक्ष के सदृश हैं, सब कुछ देने वाले हैं ना, पारिजात की तरह सब कुछ देने वाले हैं है? और गोविंददास जी बहुत सुंदर भजन भी गा रहे हैं, एक भजन गाएं एक और। वैसे मैं तो हमारे दीन नायक की तरह भजन सम्राट नहीं हूँ, प्रयास करूँगा जैसा भी है। दीन नायक प्रभु तो हमारे बहुत सुंदर भजन गाते हैं, अभी आज भी गा रहे थे हैं दामोदर, बहुत अच्छा गा रहे थे। राधा जय जय, है ना, थैंक यू माधव जय। तो ये है भजहु रे मन, है वो सुंदर भजन है ना, भजहु रे मन। ये कोई गा वो बजा सकते हैं कोई मृदंग साथ में, अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर भजन गोविंददास जी ने गाया, और ये भजन जो है श्री प्रभुपाद जी को बहुत मतलब गाते थे और उनको बहुत प्रसन्न करता है, और ये उनका लो उनका जो है फेवरेट भजन है, वन ऑफ द फेवरेट। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, समझा नहीं, क्या कह रहे हैं माता जी, आपको आता है? अब बैठिए सुनिए, शाबाश, सुनिए सुनिए, आपको आता है तो इसके ऊपर मेडिटेट करिए, सुनिए, फिर मीनिंग भी आपसे पूछेंगे क्या मीनिंग है इसका। बैठो बैठो बैठिए बैठिए, शाबाश। भजहु रे मन श्री नंद नंदना अभय चरण अरविंद रे, भजहु रे मन
भजहुरे मना श्री नंदा नंदना अभय चरण अरविंद रे। दुर्लभ मानव जनम सात संगे दुर्लभ मानव जनम सात संगे तारा हे भव सिंदुरे। तारा हे भव सिंदुरे भजहुरे मन श्री नंदनंदना अभय चरण अरविंद रे। शीतया तप वातावरीशना शीतया तप वातावरीशना ए दिन यामिनी जागिरे विफल से विनु कृपना दूर जाना चपल सुख लव लागिरे। भजहुं रे मन श्री नंदनंदना अभय चरण अरविंद रे। ए धन यौवना पुत्र परिजना इथे की आछे परतीति रे। ए धन यौवना पुत्र परिजना इथे गिया छे परतीति रे। कमल दल जल जीवन टल मल भजहुं हरि पद नीति रे। भजहुं रे मन श्री नंदनंदना अभय चरण अरविंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। भजहुं रे मन श्री नंदनंदना अभय चरण अरविंद रे।
धन्यवाद। तो इसका अनुवाद देखिए इस तरह से, बहुत सुंदर अनुवाद है। हे मन, तुम केवल नंद नंदन के अभय प्रदानकारी चरणारविंद का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भव सागर तर जाओ। मैं दिन रात जागकर सर्दी गर्मी आंधी तूफान वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। विफले सेवनु कृपण दुर्जन। सारी संपत्ति यौवन पुत्र परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। अतः तुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा वे भजन करना चाहिए। बजो हूँ हरि पद नीति रे। गोविंद दास की यह चिर अभिलाषा है कि वह भक्ति के निम्न लिखित 9 विधियों में संलग्न हो। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य पूजन साख्य एवं आत्मनिवेदन। तो 9 तो नहीं, अगर हम सिर्फ अगर 1 में भी हो जाते हैं तभी भी लाभ है, है ना। और जैसे कहा है श्रवण, तो श्रवण जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है श्रवण करना। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि हम ठीक सोर्स से श्रवण करें। जैसे रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि अगर जो दूध है, दूध को अगर सांप ने छू लिया है तो वो दूध पौष्टिक होते हुए भी आपकी हत्या कर देगा, जहर बन जाएगा। तो भागवतम भी ये नहीं कि किसी के भी मुख से सुने, है ना। भागवतम सप्ताह होते रहते हैं, तरह तरह के लोग जो है भागवतम बोलते हैं। वो कहाँ चली गई, माता जी कह रही थी मुझे भी भजन आता है, बाहर चली गई। देखो वो भजन भी गाना चाहती हैं, सुनाना चाहती हैं, सुनना नहीं चाहती है। हाँ स्वागत है आप सब लोगों का, स्वागत है। कहाँ से आए आप लोग? ओ अच्छा 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 रुद्रपुर में तो हमारा सेंटर है, आप जाते हो वहाँ है? आप सब लोग वहीं से हो, सेंटर से आए हो सब? अच्छा अच्छा, तो रुद्रपुर में हमारा वहाँ पे सेंटर भी है इस्कॉन का, आप जाइएगा। हाँ ग्रीन पार्क में, आपको पता है ना। हाँ कितना? A7 ग्रीन पार्क रुद्रपुर में हमारा सेंटर है, आप जरूर जाइए, आपको बहुत लाभ होगा वहाँ पे। हाँ यस यस यस, संडे के संडे जाओ आप, एक दिन जाने से भी बहुत लाभ हो जाएगा, एक दिन से बहुत लाभ होगा। रोज जाओगे तो फिर तो चीनी बदल जाएगा। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन आप लोगों का। तो मैं ये कह रहा था कि हमें राइट सोर्स से सुनना चाहिए, श्रवण जो है राइट सोर्स से करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मायावादी भाष्य सुनिया है सर्वनाश, सर्वनाश सर्वनाश हो जाता है मायावादी भाष्य सुनने से। तो श्रवण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन राइट सोर्स से सुनना चाहिए हमें। और जैसे एक बार एक क्लास में रामायण पढ़ाई जा रही थी, रामायण पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे इंस्पेक्टर आए देखने के लिए कि रामायण ठीक पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे सीख रहे हैं। तो इंस्पेक्टर ने पूछा एक लड़के से, अच्छा बताओ कि रामायण में धनुष किसने तोड़ा था? तो बच्चा घबरा गया, सर मैंने तो नहीं तोड़ा, किसी और ने तोड़ा होगा। तो घबरा गया, गांव के बच्चे वैसे ही थोड़े डरे डरे रहते हैं, इंस्पेक्टर जी आ गए। तो इंस्पेक्टर ने टीचर की तरफ देखा, वो कहा देखो ये कह रहा है मैंने नहीं तोड़ा। टीचर कहती है, सर ये बहुत ही शरीफ लड़का है, इसने तो जरूर नहीं तोड़ा होगा, और किसी ने तोड़ा होगा। अब उसने कहा ये तो अच्छा है, ये टीचर कैसी है? उसने कहा चलो प्रिंसिपल के पास जाते हैं।
रिपोर्ट हायर अथॉरिटी में जाना चाहिए ना, हायरार्की में। वो प्रिंसिपल के पास ले गया दोनों को, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। कहता है देखो मैडम, ये जो है लड़का कह रहा है कि धनुष मैंने नहीं तोड़ा, और टीचर कह रही है कि ये शरीफ लड़का है, बताओ रामायण में धनुष किसने तोड़ा। प्रिंसिपल कहती है सर जिसने भी तोड़ा हो हम भरपाई कर देंगे ना, आप मामले को यहीं पे खत्म कर दो। तो क्या ऐसे रामायण पढ़ा रहे हैं, क्या वो पढ़ रहे हैं। तो होता है, जो होते हैं ना प्रोफेशनल बातों सिखाने वाले, यही हाल होता है उनका। एक ऐसी प्रोफेशनल भागवत हम सुना रहे थे और एक औरत सामने बैठी रोती जा रही थी, आंसू गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। तो उसने पूछा, मतलब जब खत्म हो गई, माता जी हमने बड़े ध्यान से सुनी, किसी को इतना रस नहीं आया भागवतम का जितना आपको रस आ रहा है, आप तो आंसू निकाले जा रही थी, आप तो आंसू ही ले जा रहे थे। कहती है क्या बताऊं, आपकी दाढ़ी देख के ना मुझे अपने बकरे की दाढ़ी याद आ रही थी, वो मर गया बेचारा थोड़े दिन पहले, इसलिए रो रही थी। तो जैसे वक्ता और वैसे श्रोता है ना, तो इसलिए ऐसे ऐसे हमें ऐसे श्रोता भी नहीं बनना और ऐसे वक्ता भी। श्रील प्रभुपाद हमें रास्ता दिखाया है और बहुत 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 भाग्यशाली हैं हम, हमें पता नहीं है कितने भाग्यशाली हैं इस कलयुग में, ऐसे वातावरण में श्रील प्रभुपाद जी की संस्था में हम हैं। वो बहुत कई बार ऐसे ही मिल जाता है ना फॉर्चून, इसलिए हम उसकी कीमत नहीं जानते है ना। कहते हैं कि उस व्यक्ति से पूछो जो गप्पे खा रहे हैं बेचारे, गए संत खाओ, पढ़ाई लिखाई के युग में रह के कोई कहते हैं मुझे जफ्फी मार, एज इट इज आपको कोई ऑर्डिनरी, ये ऑर्डिनरी मूवमेंट नहीं है और ऑर्डिनरी बात नहीं है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में हैं, ऑर्डिनरी बात नहीं है ये। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत महत्व देते हैं श्रवण के ऊपर, कि श्रवण हमें करना है, रोज करना है, नित्यम भागवत सेवा, लेकिन जो है ऑथराइज सोर्स से करना है हमें। और ये ही नौ अंग हैं भक्ति के, तो नौ अंग अगर हम कर सकें, श्रवण भी करें, और श्रवण अगर अच्छी तरह से करेंगे है ना, तो कीर्तन अपने आप होगा। फिर श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ेंगे, अपने आप कीर्तन करेंगे हम, अपने आप हम बच ही नहीं सकते, हमें अपने आप बोलना ही पड़ेगा। जैसे एक बार बहुत अच्छा उदाहरण दिया, वो थे ना गोपी प्राणधन प्रभु थे, गोपी प्राणधन प्रभु हम नहीं रहे, हमारे यहाँ आते थे वो लेक्चर देने के, उन्होंने कहा एक बार बहुत अच्छा उदाहरण दिया। कहते हैं कि जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, शी हैज़ टू डिलीवर है ना, वो इससे बच ही नहीं सकती, शी हैज़ टू डिलीवर। इसी तरह से अगर आपने श्रवण किया है प्रभुपाद जी की किताबों से, प्रभुपाद जी के, तो आपको कीर्तन करना ही है, प्रचार करोगे ही करोगे, आप प्रचारक बनोगे ही बनेगा, बच ही नहीं सकते, डिलीवर करना ही पड़ेगा आपको जो सुना है। ये है प्रभुपाद जी की पोटेंसी, प्रभुपाद जी की जो वाणी है, तब हम कीर्तन करेंगे और वही कीर्तन जो है फिर वो रिजल्ट लाएगा, जब हम प्रभुपाद जी की वाणी को ध्यान से सुना है हमने, और फिर स्मरण भी होगा, तो कीर्तन करेंगे तो स्मरण भी होगा, फिर श्रवण करेंगे कीर्तन करेंगे तो वही फिर स्मरण भी होगा, ऑटोमेटिकली होगा। जो सुनेंगे बोलेंगे, अगर हम वही सुने वही बोलें तो ऑटोमेटिकली जो है वो स्मरण भी होगा।
तो इसी तरह से फिर हम जो है भगवान के चरण कमलों को आत्मसात कर सकते हैं और भगवान के चरण कमलों की और भी बहुत सारे इसमें हैं कि मैंने सोचा तो था सारे लेकिन समय नहीं है, सारे इसमें हैं। कोंगशल है, फिर वो फ्लैग है, फ्लैग इज ऑल्सो विक्ट्री, फ्लैग मीन्स विक्ट्री, फ्लैग है, झंडा है, झंडा मतलब विक्ट्री, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, पूरी प्रोटेक्शन। फिर वो है क्या नाम है, कलश भी है। भगवान के जो चरण है उनके चरणों में कलश है, कलश, राधा रानी के चरणों में नहीं है कलश, है ना, तो भगवान के चरणों में कलश है, कलश, कलश मतलब अमृत भरा हुआ, जिनके घड़े घड़े पानी डाल रहे हैं, जो ब्लेजिंग फायर है वो उसको बुझाने के लिए पानी, पानी की बुछार हो रही है। फिर ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल, ये भी भगवान के चरण कमलों में है, राधा रानी के चरण कमलों में नहीं है, ट्राइंगल है, तिकोन, तिकोन, तिकोन का मतलब तिकोन पे जब हम मेडिटेट करते हैं भगवान के चरण कमलों के, तिकोन भगवान का जो राइट राइट चरण है, लेफ्ट है, लेफ्ट में, लेफ्ट में तिकोन है, ठीक है, थैंक यू। तिकोन, तिकोन का मतलब है कि जो तीनों त्रिताप हैं वो हट जाते हैं, त्रिताप चले जाते हैं, मोड्स ऑफ मेटीरियल नेचर, तीनों तमोगुण रजोगुण सतोगुण भाग जाते हैं, ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं हम जब भगवान के चरणों को मेडिटेट करते हैं तो। और तीनों त्रिलोकी जो है, सारे त्रिलोक के जो लोग हैं वो आखिर में भगवान की ही चरणों की शरण लेते हैं, भगवान की चरणों की जो शरण है त्रिलोकवासी लेते हैं, सारे जो है ना, थ्री वर्ड्स है ना, थ्री वर्ड्स, सारे वर्ल्ड, सारे जो त्रिलोक है उसके जो जन है वो भगवान के चरणों की शरण लेते हैं, त्रिकोण का मतलब यह है। फिर चंद्रमा है, चंद्रमा दोनों ही, दोनों चंद्रमा और फिश भगवान के एक ही चरण में है, लेकिन राधा रानी के अलग अलग चरणों में है, राधा रानी के एक चरण में फिश है, एक चरण में चंद्रमा, आधा, लेकिन दोनों में है, आधा चंद्रमा जो है राधा रानी के चरणों में भी है और कृष्ण के चंद्रों में भी, चरणों में भी है। आधा चंद्रमा मतलब भगवान शिव जी के यहां पर है ना, तो भगवान शिव जी भी भगवान के चरणों को अपने सिर पे धारण करते हैं, शिव जी भी अपने चरणों को, उनके भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपने सिर पे धारण करते हैं। और डिवोटी जो भगवान के चरणों को अपने सिर पे धारण करते हैं, ये चरण है भगवान के, पता आपको, वो प्योर हो जाते हैं, ये भगवान के चरण हमें प्योर करते हैं, है ना, ये प्योर करते हैं, चरण है, भगवान के चरणों को धारण करना चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने कहा कि जब अदालत में जो जज हैं, जज वो तिलक धारण करके बैठेंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ अब जो है न्याय, न्याय मिल रहा है लोगों को, अब हमारा जो प्रचार है वो सफल हो गया है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज चाहते थे कि जजेस जो हैं वो तिलक धारण करें, भगवान के चरणों को सिर पे धारण करके न्याय करें, क्योंकि फिर प्योरिटी आती है, ये प्योर प्योरिटी आती है, जैसे शिव जी प्योर हैं, देवी देवता प्योर हैं, शिव जी प्योर हैं, ऐसे ही हम भी प्योर हो जाएंगे उनकी तरह, प्योर डिवोटी बन जाएंगे अगर हम धारण करते हैं और सही में इसका मतलब समझते हैं, ये भगवान के चरण है, इसीलिए हम सजाते हैं अपने शरीर को, सिर्फ ये तो नजर आता है, अंदर भी है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, सब जगह हम लगाते हैं ये तिलक, इसलिए क्योंकि ये हमारा शरीर जो है भगवान का मंदिर है, इसमें भगवान रहते हैं, इस भावना से हमें लगाना चाहिए। गोड है, गोड, एक गोड देख रहे हो इसमें, गोड, गोड नजर आ रहा है आपको, गोड, गोड उसके कहते हैं अंकुश, नजर आ रहा है ना अंकुश, वो हाथी को चलाते हैं, हाथी को, घोड़े को चलाते हैं लगाम से ऐसे लाठी से, हाथी की स्किन बड़ी मोटी होती है, वो उसको छोटे मोटे डंडे से पता नहीं लगेगा कुछ भी है, उसको अंकुश उसके चुभना पड़ता है तब जाके उसको कुछ थोड़ा सा लगता है कुछ हुआ है। अंकुश जो है भगवान के चरण कमल जो हैं उन पे हम मेडिटेट करेंगे तो हमारा जो माइंड है
एलिफेंट जैसे, मैड एलिफेंट जैसे, वो कंट्रोल में आ जाएगा और सही डायरेक्शन में जाएगा, इधर उधर नहीं भागेगा, सही डायरेक्शन में जाएगा है? और राधा रानी, राधा रानी के चरणों में जो, राधा रानी के चरणों में भी है अंकुश, दोनों में कॉमन है। राधा रानी के चरणों का अंकुश क्या इंगित करता है कि ये जो सबसे मैड एलिफेंट का हीरो है, मैड एलिफेंट पागल हाथियों का हीरो कौन है? कृष्ण। उसको भी कंट्रोल करते हैं वो, भगवान के जो राधा रानी के जो चरण कमलों में अंकुश है वो ये बताता है कि ये तो एलिफेंट जो है कृष्ण का एलिफेंट, उसका भी जो माइंड है उसको भी कंट्रोल करते हैं राधा रानी का चरण। तो अंकुश, अंकुश पे जब हम मेडिटेट करेंगे तो हमें लगेगा ये चरण जो है हमारे मैड एलिफेंट जो है पागल हाथी है, इसको कंट्रोल करेंगे है ना, और सही डायरेक्शन में जाएगा। अभय चरण अरविंद रे, तो भगवान के चरण जो हैं कमल हैं, चरण कमल हैं, ये भक्तों की धरोहर हैं। श्री रूप मंजरी पदा है, भक्तों की धरोहर है, कुछ नहीं चाहिए भक्तों को भगवान के चरण के अलावा, कुछ नहीं चाहिए। वो पागल नहीं हो गए, वो उन्होंने कुछ छोड़ नहीं दिया है। ये लोगों की बहुत बड़ी जो है गलत फहमी है। जैसे जैसे उदाहरण के लिए, हमने वैसे पहले भी उदाहरण दिया है ये, लेकिन फिर मुझे याद आ रहा है कि हालात ऐसे हैं ना। एक बार क्या होता है, एक गांव का व्यक्ति, गांव का व्यक्ति बहुत दूर सुदूर गांव में घर है उसका, होशियार है, होशियार है, निकला गांव से, गांव से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से आगे शहर में आके आईपीएस क्लियर कर लिया उसने, सीधा मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की उसकी नियुक्ति हो गई मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट बन के पुलिस की वर्दी में गया गांव में, और सीधा जाके मां के चरणों में पड़ गया। वो मां बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई, और आशीर्वाद दे रही है, बेटा तू थानेदार बन जा। नहीं समझ आया इसको, आशीर्वाद दिया ना, बेटा तू थानेदार बन जा, बहुत तरक्की कर, तू पुलिस में भर्ती हो गया है, बहुत तरक्की कर, थानेदार बन जा, आशीर्वाद दे रही है ना मां। नहीं समझ में आया क्या? हाँ, उसको आशीर्वाद दे रही है। वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू गोद्रुम बिहारी, थैंक यू, पक्का बोला इसने। बेचारी मां को, उसने कोई कसूर नहीं है उसका, उसका भाव गलत नहीं है, भाव उसका मां का ही है, उन्नति करना देखना चाहती है, उसका गलत भाव नहीं है बेचारी का। वो अपने भाव से आशीर्वाद दे रही है, क्योंकि वो सोचती है कि पुलिस, पुलिस का सबसे बड़ा ऑफिसर दरोगा थानेदार, वो जब आता है तो सारे गांव वाले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उसको इससे आगे पता ही नहीं कि इसके आगे भी कोई होती है पोस्ट। ऐसी आज समाज में है, कोई भक्त बन गया, बेटा भक्त बन गया, अच्छा भला, हमने तो थानेदार बनने के लिए कहा था, ये मजिस्ट्रेट कैसे बन गया, ये क्या होता, थानेदार बन जा बेटा। उनकी गलती नहीं है बेचारों की, बेचारों की गलती नहीं है, भाव उनको, उनको हमें ज्ञान देना है। भक्त का क्या मतलब है, देखो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, भक्त मतलब क्या है, भक्त मतलब कुछ भी, कुछ भी कर सकता है भक्त के लिए, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, खंबा फाड़ के आ सकते हैं, उसका रथ चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भगवान के लिए भक्त, कुछ भी। और क्या चाहिए आपको? जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो तू बांझ रहे क्यों गवाए नूर। नहीं समझ आया? जननी जने तो भक्त जन, जननी मां अगर जनती है तो भक्त को जनो, तूने जना है तो भक्त जने, या दाता या शूर, नहीं तो कोई दानवीर का जन्म दान करे है, या शूर लड़ाई वीर देश की रक्षा करे, और नहीं तो बांझ रहे कुछ ना जन, किसी को जन्म मत दे, क्यों अपना नूर गवाती है। मां बनने से लड़की का नूर चला जाता है ना, जो नूर होता है वो चला जाता है,
क्यों नूर गवाती है, क्यों मोटी होती है, क्यों ऐसा थुथली हो जाती है, तू अच्छी रह, यंग रह तू, जननी जने तो भक्त जन, तू गर्व करना चाहिए ना माता पिता को कि मेरा बेटा जो है भक्त बन गया है, मां को गर्व करना चाहिए ना, या थानेदारी की पोस्ट चाहिए, तो उनको सिखाना है हमें प्लीज, तो हमारी गलती है, हम सिखा नहीं रहे उनको, हमें बताना है कि भक्त जो है सबसे, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, देखो प्रभुपाद जी के पास क्या नहीं है बताओ, प्रभुपाद जी ने कहा मैं 40 रुपए लेके निकला था इंडिया से, आज मेरे पास 40 करोड़ है, कौन है बिजनेसमैन आए मेरे सामने जिसने 40 रुपए के 40 करोड़ बनाए इतने थोड़े से दिनों में, आए सामने आए, चैलेंज करके कह रहे हैं प्रभुपाद जी, तो उसी के तो वंश है जो आप, उन्हीं के वंशा में आपने जन्म लिया है या किसी और वंश में, प्रभुपाद जी ने कहा तो फिर कि आप 40 करोड़ नहीं बना सकते क्या, तो फिर तो आपके माँ बाप क्यों ऐसे दुखी हो रहे हैं, गरीब हो गया हमारा बच्चा, क्या हो गया, अच्छा भला इंजीनियर था, उनको बताओ भैया इंजीनियर तो हमारे शिष्य बन जाएंगे, वो जिन इंजीनियरों को कह रहे हो बहुत सारे शिष्य बनेंगे हमारे, जैसे देखो गोपी बाप प्रभु के कितने शिष्य हैं, इंजीनियर डॉक्टर कितने शिष्य हैं, तो ये बताना है लोगों को, बहुत 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 भाग्य की बात है कि हम ये चिंतामणि है भगवान श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में है, क्या कमी है, किस चीज की कमी है, भगवान के चरण कमल है यहाँ पे, किस चीज की कमी है, ये तो क्योंकि कलयुग है, नास्तिकवाद है प्रचार, कलयुग का जमाना है बस, और क्या, जैसे हमारे महामंत्र वो कहते थे कि अगर ये कलयुग नहीं हो तो असल में ये वाला जो मंदिर है ये वहां बनना चाहिए रायसीना हिल पे, महामंत्र वो सोचा करते थे कि ये जो ग्लोरी ऑफ इंडिया है ये हम कहते थे बहुत अच्छा, कहते ये कोई जगह है, भगवान का घर तो जहां राष्ट्रपति भवन बना हुआ है वहां होना चाहिए, रायसीना हिल पे ये गोवर्धन वहां होना चाहिए, भगवान है ब्रह्मांडों के मालिक, ब्रह्मांडों के प्रेसिडेंटों के प्रेसिडेंट है ना, तो कलयुग है, एक ऐसी जगह दे दी, खांडोप्रस्थ दे दिया, पहाड़ ऐसे पड़ा है, सारे जो लाके ऐसे ऐसे ही उसके गोबर मलते हैं ऐसे रहते हैं, चलो ले लो, चलो ले लो, बड़ा बड़ा कर रहे हो, जमीन चाहिए, जमीन चाहिए, लो ले लो, आस्तिक गवर्नमेंट है, नहीं तो अगर आस्तिक गवर्नमेंट हो है ना, अशोक राजा अशोक जैसे अगर हो तो रायसीना हिल पे जगह दें हमें, है ना, वो है जगह भगवान के लिए, तो लेकिन फिर भी कलयुग है, कुछ भी है, भगवान का ही बनाया हुआ है, अगर हम भगवान की पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, पूर्ण उनकी शरण लेते हैं तो कुछ भी संभव है भगवान के, कुछ भी संभव है ना, ओके, तो समय हो गया है, आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, बहुत उत्साहपूर्वक आपने कक्षा को सुना, इससे मुझे भी बल मिला, और किसी का कोई कमेंट एक दो मिनट के लिए नहीं तो, हाँ जी मयंक प्रियंक प्रभु, यस दो इनको माइक दो, जैसे जैसे पेरेंट्स होते हैं आपके ना, आपके पेरेंट्स जो हैं जो बातें बताते हैं तो उन्हीं से तो सीखते हो आप, तो जो डायरेक्ट बातें बताते हैं वो तो है ही, उनका तो वैल्यू है ही है, जो कहते हैं करने के लिए वो भी करना है, भगवान जो गुरु है वो तो पेरेंट्स जैसे हैं ना, तो उन्हीं से तो सीखते हैं हम, तो भगवान के बारे में भी तो गुरु ही बता रहे हैं, तो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाँव बरिहारी, ऐसे गुरु की गोविंद देव मनाए, है ना, तो गुरु तो पहले हैं ही ना, गुरु के देखो प्रभुपाद जी की बातें तो बता रहे हैं हम, उससे अलग थोड़ा कुछ है ना, तो अगर गुरु की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो गुरु की इंस्ट्रक्शंस में ये भी है कि हम भगवान के चरणों पे, मैं इसलिए तो गुरु महाराज ने चरणों को दरवाजे पर लगाया हुआ है भगवान के चरणों में, है ना, गुरु महाराज ने लगाया हुआ है ना वहाँ पे, चरणों को क्यों लगाया हुआ है, चरणों पर ध्यान करना जो है ये कोई गुरु की इंस्ट्रक्शन से अलग नहीं है, है ना, गुरु हमारे माता पिता जैसे हैं, जैसे माता पिता
जो भी कहते हैं हमें, वो हमारे लिए फायदे के लिए कह रहे हैं ना। माता पिता का मतलब ही यही है कि बच्चों को संरक्षण देना। जैसे मैंने भौतिक माता पिता भी संरक्षण देते हैं, भौतिक माता पिता पूरा ज्ञान नहीं है इसलिए बेचारे ऐसे इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन उनका कभी भी ये 1% भी उनका नहीं होता कि हमारे बच्चे को कुछ क्षति पहुंचे। बेचारे अज्ञानी है ना, जैसे हिरण्यकशिपु अज्ञानी था बेचारा, वो सोचता था कि मेरा बेटा मेरे दुश्मन का हो गया है। हिरण्यकशिपु देखो लेटा हुआ है ना वहां पे, वो लेटा हुआ तो जो हिरण्यकशिपु की तरह, इसीलिए लगाया हुआ है, जो हिरण्यकशिपु की तरह व्यवहार करेंगे अपने बच्चों के साथ उनका यही हाल होगा। ये भी ये सब माता पिताओं को देख लेना चाहिए, है ना, क्योंकि भगवान है, भगवान कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, रियलिटी है ये। तो उनका समय अपना है, वो आपके समय की तरह नहीं आते हैं। प्रहलाद महाराज को जब आग में लेके बैठ गई होलिका, तब भी नहीं आए भगवान। तब क्यों नहीं आए भैया, आग आग जलने वाला है, आपका पुत्र जलने वाला है, नो प्रॉब्लम। वो पहाड़ से गिरा दिया, तभी भगवान नहीं आए। वो सांपों के बिल में डाल दिया, तभी भी नहीं आए। अपने टाइम से आए, जब आना था खंबा फाड़ के आए वो। तो भगवान का समय है, इसलिए कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। भगवान का टाइम अपना है, आपका टाइम नहीं चलता वहां पे। फिर 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए जी। श्रील प्रभुपाद जी को 70 साल तक भगवान ने नहीं दी सफलता। क्या प्रभुपाद जी का नित्य सिद्ध भक्त शक्ता वेश अवतार नहीं है? तो 70 साल तक नहीं थे, 70 साल के बाद बने, ऐसी बात है क्या? नित्य सिद्ध है, ये भगवान का अपना समय है ना, अपने हिसाब से उन्होंने उनको सफलता देनी है। तो भगवान ये रियलिटी है, कोई कल्पना नहीं है। ऐसा मत सोचोगे ये हो रहा है, देखो जी जो बेकार के लोग हैं वो तो बहुत उन्नति कर रहे हैं, ये शरीफ लोग ही मारे जाते हैं जी। गलत गलत ज्ञान ले लिया आपने। भगवद गीता में कहा है अच्छाई कभी भी बुराई से हारती नहीं है, कभी भी नहीं हारती, अच्छाई की हमेशा विजय होती है, हमेशा। लेकिन अच्छा बनना इतना आसान नहीं है, हम सबको अच्छा बनाना चाहते हैं एक व्यक्ति को छोड़ के। समझ गया, बड़ा तेज है। सारे अच्छे बन जाए, मुझे मैं ठीक हूं, मैं तो वैसे ही ठीक हूं, है कि नहीं? नसीहत आपके नाम, वसीयत मेरे नाम। अच्छा है ना ये? तो अगर हम सब अपने ऊपर कार्य करें तो क्यों नहीं, क्यों नहीं, सब संभव है। ओके, थैंक यू। जय श्रील प्रभुपाद की। Say it as it is.